दोस्तों आज की कहानी है जेठानी को सता खोने का डर। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मोनिका जल्दी करो, बहू आने वाली होगी। आरती की थाली तैयार हुई कि नहीं, मोनिका की सास ने आवाज लगाते हुए कहा। मोनिका की देवर की शादी हुई, दुल्हन पर घर आने वाली है, पर मोनिका बिना मन से सब कुछ कर रही थी क्योंकि नई बहू घास से आई है और मोनिका के पसंद की लड़की नहीं है। मोनिका एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी और देवरा ने गांव की कंपनी देखी थी। मोनिका के लाख मना करने के बावजूद भी उसके देवर ने गांव की लड़की से शादी कर दी और मोनिका को उस गांव की लड़की से नफरत थी, पर घर वाले खुश थे। मोनिका चाहती थी कि उसकी बराबरी की लड़की आए तो उसका स्टेटस बढ़े, पर उसकी एक ना सदी वो अपने मन से कराती तो वो अपना स्टेटस बढ़ाती और भी बहुत कुछ प्लान था मोनिका का, पर सब उल्टा हो गया। राजेश देवर कुछ काम से गांव गए हुए थे, तभी उन्होंने लवली देवरानी को पसंद किया और सबकी सहमति से शादी कर ली, जिससे मोनिका नाराज थी। अब शादी होगी, घर में दुल्हन तो आ गई, लेकिन अब मोनिका उसको अपना दुश्मन समझती। हर वक्त मोनिका अपनी देवरानी की बुराई करने में लगी। लवली बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव की लड़की थी और जल्दी सबकी लाडली भी होगी, सबकी देखरेख सेवा संस्कार में लगी रहती। मोनिका को भी बहुत मानती, मोनिका उसको ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर भी लवली सके सुन लेती। मोनिका को अब डर होने लगा था कि अब उसकी नई सुनने वाली, अब वही डर से मोनिका देवरानी के पीछे पड़ी रहती। उसे हमेशा नीच से देखती, पर लवली अपना काम करती, वह किसी को जवाब तक नहीं देती। मोनिका के लिए हमेशा डब्बे भर कर देना, उसके बच्चों के साथ समय बिताना, उनका ख्याल रखना, सब कुछ का ध्यान देती थी। फिर भी मोनिका उसके साथ घेरों जैसा व्यवहार करती। एक दिन मोनिका के ऑफिस जाने के बाद उसने 5 साल के बेटे का अचानक से तबीयत खराब हो गई। घर में सिर्फ लवली ही थी। लवली ने मोनिका के बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दिन भर बच्चे के पास ही हॉस्टल में रही। मोनिका को आते आते रात हो गई। मोनिका जैसे हॉस्पिटल में आई तब सब नर्सें लवली की तारीफ करने लगी। मोनिका की नज़रें सब लवली पर पड़ी तो मोनिका झुक गई और उसे अब लवली से नज़रें मिलाने में शर्म महसूस हो रही थी। लवली समझ गई और बात बदलते हुए बोली, दीदी आइए देखिए छोटू अब बिल्कुल ठीक है। सली हम लोग अब घर। मोनिका ने सर हिलाया और लवली के गले